हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं उठ गई हूँ. मैं एक्चुअली 2 बजे से उठ गई हूँ. तो अभी मुझे थोड़ा सा मॉर्निंग का काम करना है. देख सकते हैं लाइट्स ऑफ है, तो थोड़ा सा किचन का काम है वो मैं कर लेती हूँ. उसके बाद मिलते हैं. आपको मैं दिखा दूँ किचन की जो हालत है वो क्या है. किचन में किचन का हालत ऐसा कुछ है, तो मुझे इसको अब सेट राइट करना है. मेरी हाउस हेल्पर आने वाली है, तो उससे पहले मुझे ये बर्तन और ये गैस स्टोव, मैंने कल रात को किया नहीं इसलिए, बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड और मेरे से हो नहीं पा रहा था. सो आई थॉट ऑफ डूइंग इट. और मैंने रात को छोले बना दिए थे. सब्जी बनेगी और बाहर में दिखाते हैं आपको. बिल्कुल पीछे कपड़े पड़े हैं, इसको मैं पहले फोल्ड कर लेती हूँ, ठीक है ना. तो इसके बाद बाकी के किचन के काम में मैं लग जाऊँगी.
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि परसों में मम्मी का बर्थडे है, तो मैंने उनके लिए एक बहुत अच्छी सी साड़ी, उनकी फेवरेट कलर की भी है, आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत प्यारी कलर है, आई होप आप लोग भी अच्छे। उनका ब्लाउज़ वगैरह मैंने सब सिलवा दिया है एंड इट्स ऑल डन। अब मैं आपको तब भी दिखाऊँगी जब मम्मी ये पहन के तैयार हो जाएंगी। आपको मैं पहले साड़ी दिखाती हूँ। मम्मी का फेवरेट कलर है, देखिए। और इसका ब्लाउज है, ये इस तरह से देखिए, बहुत प्यारी कलर है। और ये इस तरह के पैटर्न से सिला हुआ है। चलिए आपको मैं पूरी साड़ी दिखाती हूँ। इसके बॉडी पे ऐसे देखिए मोर वाले प्रिंट है, थोड़े आउल हैं, मोर आउल और अलग अलग तरह के पक्षियाँ हैं। बट इसका जो प्रिंट है बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा। इसकी जो आंचल में दिखाती है, जनरली मम्मी बहुत, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स पसंद करती है, तो मैं उनके हिसाब से उनको इस चीज़ को ऑर्डर की। आई होप उन्हें पसंद आएगी। चलिए, ये है कि मेरी मम्मी के बर्थडे के दिन आप मेरी मम्मी को ढेर सारा प्यार दीजिए। वो बहुत खुश हो जाएंगे आप सबके कमेंट्स देखकर, आपके प्रेस को देखकर। मेरा पर्पस यही है कि मैं उनकी मौका मिले, उन्हें खुश रखें। उनका खुश रहना आपके लिए एक वरदान है, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल ये काफ़ी अर्ली मॉर्निंग, अभी 4:30 कितने बजे, 5:15 हो रहे हैं। मम्मी उठने वाली है, 5:30 उठती है और फिर वो वॉक पे चली जाती है फ्रेश होके। मेरे हस्बैंड उसके बाद उठते हैं। तो ये है मेरा अर्ली मॉर्निंग मंडे का रूटीन। क्या होता है, मुझे रात भर नींद नहीं आती बिकॉज़ आई डू नाइट शिफ्ट्स। सो मैं 2 बजे उठ जाती हूँ या फिर 12 बजे उठ जाती हूँ एंड आई डोंट गेट स्लीप। तो इस बीच मैं क्या करती हूँ, जो पेंडिंग वर्क है जो मैं नहीं करती हूँ जनरली, बिकॉज यू नो योर टाइम क्लॉक, बॉडी क्लॉक चेंजेस, आपकी जो टाइमिंग्स है वो बदल जाती है ना। सो मुझे आजकल डे टाइम में नींद आती है ना, तो इस वजह से आई वॉन्टेड टू कीप इट बैलेंस, क्योंकि फिर वीकडेज में अलग रूटीन, वीकेंड्स में अलग रूटीन, सो क्या You don't want to confuse your body, right? So, यही एक है कि मैं सोती नहीं हूँ। Even if I get sleep, I don't sleep because मुझे next day afternoon को सोना होता है, so that I can get prepped up for my rest of the weekdays, है ना। तो breakfast आज मैं बनाऊँगी उपमा और उसके साथ बेसन की चटनी। और रेसिपी मैं आपको किसी और दिन शेयर कर दूँगी। तब तक के लिए आप को ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, है ना। तो तब के लिए गुड बाय, नॉट गुड बाय, ठीक है। तो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। आई गेस मैं कल का ब्लॉग बनाऊंगी जो इसमें है मम्मी का बर्थडे, तो उनको मैं ये साड़ी पहना के आपके साथ शेयर करूंगी, है ना। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, है ना।